ठीक है। तो ये इस चीज का एज ए मेजर, एज एन ऑफिसर मैं इस चीज को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। सेकेंड थिंग, गलती तो हमने मान लिया, पर इस चीज को डैमेज को हम कम्पेंसेट करने के लिए पैसा से फैमिली को पैसे कम्पेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का, वो सारे का सारे हम, मी एज एन ऑफिसर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे FIR में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन करूंगा एज एन ऑफिसर, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि ये मेरा कमान का अंदर इंसिडेंट हुआ है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेजर जेम 12 पैरा। अरुणाचल प्रदेश का मामला है, किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं जनता से दिल से, वो दिखाता है इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। किस तरीके से गलती होने पे पूरा कहते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, चाहे वो इलाज हो या फिर मौत भी हो जाए इस व्यक्ति की जिसको गलती से आर्मी ने गोली मार दी है, पूरी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, रिटर्न में लिख के देने को तैयार हूँ। तो इस बात के लिए हम इनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं और एग्जाम्पल ये तमाम और अफसर्स के लिए भी। तो मामला पूरा कहता है अरुणाचल प्रदेश का मामला है, यहाँ पे एक सेक्शन मूव कर रहा होता है, तभी देखते हैं कि जंगलात के इलाके में एक व्यक्ति जो है अपनी शिकारी बंदूक लेके दबे पाँव छुपता छुपाता निकल रहा है। इंडिकेशन देने पे वो रुकता नहीं है, चल रहा होता है और उसकी कुछ हरकतें थीं उनको देखते हुए आर्मी उसके ऊपर फायर खोल देती है, उसके पैरों में कुछ गोलियाँ लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही रियलाइज होता है वो रोते हुए बताते हैं कि मैं तो शिकार करने आया था जंगल में भैया, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तो तुरंत जो है आर्मी उसको उठा के इवैक्यूएट कर देती है, पास के नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। अब ये मेजर आते हैं, अपनी पूरे सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी लेते हैं और लोकलाइट से जो वहाँ के लोकल हो गए उनको बोलते हैं कि भैया पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी से कोई चीज़ होती है तो उसको छुपाती नहीं है, कोई यहाँ पर झूठा चक्कर नहीं है, गलती से हो गया, उसकी संदिग्ध हरकतों को देखते हुए तो दैट्स ओके, हम उसको गलती मानते हैं, वो भी हमारा भाई है, गोली लग गई तो मैं उसको कहीं पर भी लिख के देने को तैयार हूँ, आप जो भी मुआवजा है फैमिली का उसको हम देंगे, कुछ और ज़रूरत है वो हम करेंगे, लेकिन आपके मन में कोई भी शंका नहीं चाहिए भारतीय सेना को लेके कि हमने कुछ किया और कहा कुछ और। टच ऑफ करते हैं जज्बे को और आने वाले भविष्य के सभी जवानों को और ऑफिसर्स को बहुत बड़ा एग्जांपल है एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का, एक कॉन्फिडेंस का। तो क्या कहा मेजर साहब ने, पूरा वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ, जो भी इंजरी है दोनों का उसका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी एस वी स्पीक, ऐसा हम बात कर रहे हैं, खराब चीज मत बोलो हाँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है एस वी स्पीक। वो दोनों उनको एवोकेट करके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, कौन सा से एयरलिफ्ट करके जोरहाट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग, गलती तो हमने मान लिया, पर इस चीज को डैमेज को हम कम्पेंसेट करने के लिए पैसा से फैमिली को पैसे कम्पेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का, वो सारे का सारे हम, मी एज एन ऑफिसर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम फिर करेगा। ठीक है ना। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे FIR में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन करूंगा एज एन ऑफिसर, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि ये मेरा कमान का अंदर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इस चीज का एज ए मेजर, एज एन ऑफिसर मैं इस चीज को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है ना। इन फ्यूचर ऑल्सो आपका यूनिट, आपका मैंने बता दिया 12 पैरा है। ठीक है, हम कौन सा से है? ठीक है, अस्पताल नहीं है आपका रैंक, मैं बता दिया मेजर। ठीक है, मेजर GM। ठीक है, यूनिट बोलो सर, 12 पैरा बहुत बता दिया। अरे हम बोल, आप से हम पूछ रहे, जिंदा होगा, मैं आपको इश्यू कर रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट रुकिए रुकिए, हम पूछेगा। ठीक है सर, आप देखिए, अगर आपने मिस्टेक से मार दिया, घंटी आपका था, अपन दिया बता देना, तो मरना भी, मरने से भी आपका है, बातें भी सिर्फ आपका है। अगर जिंदा भी चले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे है, जिंदा नहीं चलेगा आपका है, जो होने से भी तो आप ये ना कितना मिस्टेक है, तो आपका अंदर में होगा सब कुछ, मरना ना बचना है, ये सही बात होगा। अभी मैं डॉक्टर साहब से बात किया, 6 असम राइफल का RMO साहब से बात किया, जो क्या बोलते हैं उसको, इंजरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक हो जाएगा और बड़े वाला हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, जो कि ठीक हो जाएगा। ठीक है ना सभी, है ना, आगे का जो ओके, आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन मैं ही ले रहा हूँ एज एन ऑफिसर। ठीक है, आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बंदे यहाँ से नहीं चलेगा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है, जब तक आप लोगों को लगता नहीं है
आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग संतोष हो, हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बैठते रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से देखने को मिलते हैं. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. वो जो घंटी वाला निशान है उसको ज़रूर प्रेस करें, तभी आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आ पाएंगे. सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं आते, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दी रॉयल सोल्जर एट फेसबुक, सेम आईडी फॉर द इंस्टाग्राम. आप अपने फ़ोन पे तुरंत हमारे अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम टीम रॉयल सोल्जर के नाम से, और बन सकते हैं अभिनंग इस परिवार का जो आपको यूनिक और सटीक खबर दिखाता है, जो आपको कोई देश का मीडिया नहीं दिखाता. ख्याल रखिएगा, अपना जोश को बनाए रखिएगा, और आप क्या कहते हैं इस मेजर की सच्चाई के बारे में, इसके कॉन्फिडेंस के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा. एंड आई एम श्योर मेजर इस वीडियो को देख के कमेंट भी पढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर फॉर सेल्फ. जय हिंद.